वेलकम 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 ऑल एक्शन टेकर्स, आप सभी ने सही समय पर सही डिसीजन लिया है और इस कोर्स में एनरोल करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक बार और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद भी कहती हूँ कि आप लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया और हमें मौका दिया आपको कुछ नया सिखाने में मदद करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम, जैसे कि हमारे कैनवा में डिजाइनिंग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो स्टार्ट करने से पहले हमें कैनवा के बारे में कुछ जानना होगा। कैनवा क्या है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैनवा को कैसे सेटअप करना है ना, ये सीरीज में हम वो सारी चीजें जानेंगे। जैसे कि कैनवा को सेटअप करना है मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, कहाँ पर जाना है ना, जैसे कि पूरा ओवरव्यू जो है कैनवा का वो हमें पता रहना चाहिए, ताकि आपको जब भी आप, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे और जब भी हम नई नई डिजाइन्स बनाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज हम कहाँ से लेने वाले हैं। तो उसके लिए आज का जो ये वीडियो का सीरीज रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट तो कैनवा क्या है, जिसे आप सभी जानते हैं कि कैनवा एक ऑस्ट्रेलियन ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है, और जिसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया के ग्राफिक्स है, पोस्टर्स है, प्रेजेंटेशंस है, डॉक्यूमेंट्स है, और बहुत सारे विजुअल कंटेंट्स उसकी मदद से हम बना सकते हैं ना। उसके अलावा वो फ्री डिजाइन प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, हम लोग उस पर कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, और कैनवा में मल्टीपल हमें रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं डिजाइन करने के लिए, और इजी टू यूज है, हर कोई ना, हर कोई इसका इस्तेमाल करते हुए खुद के डिजाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है फ्री डिजाइन प्लेटफॉर्म, कैनवा में फ्री भी है और प्रो भी है, और वो कैसे है वो हम आगे जानते हैं। जैसे कि कैनवा फ्री अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें 250 के फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, 200 के फ्री फोटोज मिलते हैं, 57 के फ्री ग्राफिक एलिमेंट्स है, फ्री वीडियोस है, फ्री फोन्स है, देखिए बहुत सारा। तो अगर आप बिगिनर है, अभी अभी आप कैनवा में काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आप सभी को कैनवा फ्री इस्तेमाल करने को कहूंगी। और उसके अलावा आपकी कोई एजेंसी है, आपके पास बहुत सारा डिजाइनिंग का वर्क है, या आपने पूरे ये जो फीचर्स है फ्री वाले इस्तेमाल करके देख लिए हैं, अभी आपके पास कुछ डिजाइन्स नहीं है, तो आप कैनवा प्रो की ओर जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको कैनवा फ्री एंड कैनवा प्रो में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया रहेगा। अभी आगे बढ़ने से पहले हमें पहला तो कैनवा में जो अकाउंट है वो क्रिएट करना होगा। तो वो आप कैसे करेंगे, तो हमें पहले तो कैनवा में, जैसे गूगल में जाना है आप सभी को, और टाइप करना है canva.com। जैसे ही आप canva.com टाइप करेंगे तो देखिए ऐसे वाला लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऐसे पूछेगा वहां पर ना, साइन अप फॉर फ्री। अगर आप फर्स्ट टाइम कैनवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। आप वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा वाला स्क्रीन वहां पर शो होगा। फिर आपको क्या करना है, आपका जीमेल आईडी है ना, कंटिन्यू विद गूगल, उससे आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, या देखिए कंटिन्यू विद फेसबुक है, कंटिन्यू विद ईमेल है, कंटिन्यू अनदर वे है, तो आप क्या करोगे, जीमेल से आपको उसपे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको वो पूछेगा वहां पर, तो वहां पर आपका ईमेल आईडी आपको डालना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, आपका पासवर्ड डालना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर ऐसा जो स्क्रीन है वो आएगा, तो व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर, ऐसे आपको पूछेगा वहां पर। तो आपको क्या करना है, ये जो पर्सनल यूज है ना, पर्सनल यूज पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है आप उस पर कर सकते हैं, टीचर है, स्टूडेंट्स है, लार्ज कंपनी है, नॉन प्रॉफिट और चैरिटी है, तो आप उस पर कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि अभी आप बिगिनर है तो आप एक पर्सनल पे ही आप क्लिक करिए। तो आप क्या करेंगे, पर्सनल क्लिक करेंगे। पर्सनल क्लिक करने के बाद आपका ऐसे होम स्क्रीन ऑन हो जाएगा। फिर यहीं से ही हमें क्या करना है, हमारे जो डिजाइन्स हैं वो हमें बनाना स्टार्ट करना है। अभी ये हो गया लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर से आप कर रहे हो। अभी ये नेक्स्ट, अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं रहेगा, कंप्यूटर नहीं रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है, मोबाइल में जाना है,
जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और जिनके पास है भी, उन लोग भी मोबाइल से, आपको क्या करना है, मोबाइल से आप क्या करिए, प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में कैनवा ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है आपके मोबाइल में। आप मोबाइल की मदद से भी आपके अच्छे से डिजाइन बना सकते हैं, और लैपटॉप से और इससे कर रहे हो कंप्यूटर से, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऑनलाइन ऑनलाइन ब्राउजर से ही आप क्या करोगे, इसमें कैनवा में लॉग इन करेंगे। हाँ, और फर्स्ट टाइम आपको साइन अप करना रहेगा, अगले बार आप करोगे तो आप साइन इन करके भी उसमें एंटर कर सकते हैं। स्टार्टिंग का फर्स्ट आपको साइन अप करना रहता है, एंड मोबाइल में आपको ऐप डाउनलोड करना रहता है। ओके, अभी जैसे कि मैंने आप सभी को लैपटॉप में होम स्क्रीन बताया, वैसे ही मोबाइल में होम स्क्रीन कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखिए, अगर होम स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नीचे देखिए ऐसे होम का आइकन रहेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे, होम आपको मिल जाएगा। जब भी हमें नए डिजाइन की स्टार्टिंग करनी रहती है तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, पहले होम में क्लिक करते हैं, तो हमें देखिए ऐसे स्क्रीन वहां पर ऑन हो जाएगा। चलिए, एक तो ये हो गया साइन अप। अभी अगर हमें कोई डिजाइन चाहिए है ना, या कोई टेम्पलेट, जैसे कि हम लोग फेसबुक का डिजाइन बना रहे हैं, फेसबुक पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं, उसके हमें टेम्पलेट चाहिए रहेगा। और मैंने आप सभी को बोला था कि इसमें बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं। अभी टेम्पलेट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग फेसबुक पोस्ट बना रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर साइज रहता है, अगर इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं तो उसका एक साइज रहता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 1080x1080, तो आपको हर समय वो डालना न पड़े, इसलिए यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं। तो आप रेडीमेड अगर टेम्पलेट देखे, उसके लिए आपको क्या जाना होगा, टेम्पलेट्स में आपको क्लिक करना रहेगा, तो आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, तो सेम ऐसे ही मोबाइल में भी रहेगा। मोबाइल में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाएंगे। देखिए ये टाइप के ना, अलग अलग साइज का, जैसे देखिए यहाँ पर मार्केटिंग है, मोबाइल है, प्रेजेंटेशन है ना, देखिए ये सारे टेम्पलेट्स है, तो ऐसे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। अभी ये मैं ओवरव्यू आपको करा रही हूँ, तो आपको कैसे, हम आगे जाकर जब हम डिजाइन बनाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा कि हमें कहाँ पर, जैसे कि मैंने आप लोग बोला कि आपको, आप लोगों को जाना है होम में, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पर क्लिक करेंगे मतलब होम आ जाएगा, तो वहां से हमें सर्च करना है, टेम्पलेट बोला है तो टेम्पलेट में हमें क्लिक करना है। इसलिए ये ओवरव्यू है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आगे डिजाइन बनाना है तो ये बेसिक नॉलेज आपको रहना बहुत ही जरूरी है। अभी ये हो गया, अभी नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। अभी प्रोजेक्ट्स में क्या रहेगा, आप जो भी डिजाइन्स बनाएंगे वो प्रोजेक्ट्स में सेव होगा, जैसे कि हम लोग ने डिजाइन बनाया और आज हमने बंद कर दिया और हमें कल उसी में ही कुछ एडिट करना है, तो आपको वो डिजाइन कहाँ पे मिलेंगे, ये प्रोजेक्ट्स जो है उसके अंदर आप क्लिक करेंगे, आपने जो भी आपके डिजाइन बनाए हुए हैं वो सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। अभी ये मोबाइल में भी देखिए होम टेम्पलेट्स और यहाँ पर है प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन, तो वहां पर आपको प्रोजेक्ट्स में आपके जो बनाए हुए डिजाइन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आगे है, जैसे कि हमें कुछ सर्च करना है, कोई टेम्पलेट सर्च करना है, फेसबुक पोस्ट बनाना है, तो हम लोग जैसे कि लैपटॉप में ये वाला स्क्रीन रहेगा होम स्क्रीन, यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है फेसबुक पोस्ट, तो आपको फेसबुक पोस्ट का जो टेम्पलेट है रेडीमेड वो मिल जाएगा। सेम फोन में भी होम में जाना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको फेसबुक पोस्ट क्लिक करना है, तो फेसबुक पोस्ट रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स रहेंगे रेडीमेड वो आपको शो हो जाएंगे। चलिए, ये हो गया। अभी नेक्स्ट है कस्टम साइज। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि रेडीमेड टेम्पलेट्स, जैसे कि हमें कोई साइज चाहिए है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर टाइप करेंगे तो भी मिल जाएगा, बट उसके अलावा आपके पास कोई साइज है, जैसे मैंने अभी बोला था 1080x1080, एक कोई कस्टम साइज है, पर्टिकुलर साइज का आपको चाहिए, तो आप लोग ये कस्टम साइज है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो साइज का स्क्रीन है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर आप विड्थ है, हाइट है, जो भी पर्टिकुलर साइज का आपको डिजाइन बनाना है वो आप यहाँ पर साइज डाल के आप वो टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। फिर ऐसा जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा, फिर आप उसमें आपके डिजाइन बना सकते हैं।
मतलब ये वाला ब्लैंक वाला, क्योंकि हमें कोई भी डिजाइन अगर बनाना है तो हमें ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए रहेगा पर्टिकुलर साइज का। अगर हम कोई भी साइज लेते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है, पर्टिकुलर साइज रहना चाहिए ताकि हम अच्छे से उसमें डिजाइन कर सके और जब भी हम वो पोस्ट करें तो अच्छे से पूरा जो पोस्ट है हमारा अच्छे से हम पोस्ट कर पाए। अभी ये हो गया, जैसे कि यहाँ तक मैंने आपको बताया ये था कंप्यूटर का। अभी मोबाइल में कैसे रहेगा, मोबाइल में आपको फर्स्ट जैसे कि आपका ये होम स्क्रीन है, देखिए ये वाला होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन में यहाँ पर आपको प्लस का साइन मिलेगा, देखिए ये वाला प्लस का साइन मिलेगा। प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही कस्टम साइज है, कस्टम साइज में आपको क्लिक करना है। कस्टम साइज में आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए जैसे वहां पर पीछे हमें दिखाई दिया था ना साइज का ये स्क्रीन, तो वहां पर आप साइज डालेंगे। जैसे ही ये साइज डालते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए 1080x1080 डाला, यहाँ पर आपने क्लिक किया तो ये वाला ऐसे टेम्पलेट ऑन हो जाएगा, फिर आपको इसमें डिजाइन करना रहता है। चलिए तो आप आपको भी क्या करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है कैनवा में आप सभी करिए, यहाँ तक ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आता है आगे। अभी थोड़ा हम ओवरव्यू करें ना, ताकि हम आगे डिजाइन बनाने वाले हैं तो आपका ज्यादा समय नहीं जाएगा। अगर आप डायरेक्टली आगे के वीडियोस देखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप है ना इसी सीक्वेंस में जाइए ताकि ये जो बेसिक है कौन सी चीज कहाँ से लेनी है अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप आगे जाके जो रेडीमेड डिजाइन्स भी दिए हुए हैं उससे भी आप क्या कर सकते हैं अच्छे से उसमें एडिट करते हुए आपके डिजाइन्स आप बना सकते हैं। चलिए ये हो गया। अभी यहाँ पर अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइप का डिजाइन चाहिए जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरीज चाहिए है, अभी टेम्पलेट लेने के बाद अंदर भी ये वाला स्क्रीन ऑन होता है तो डिजाइन्स है, अगर इंस्टाग्राम स्टोरी रिलेटेड आपको कुछ चाहिए है पहले तो आपको डिजाइन्स पे क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर सर्च करना रहेगा, तो इंस्टाग्राम स्टोरी रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट मिल जाएंगे। एक तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट मोबाइल में, अभी मोबाइल में आपको क्या करना है, मोबाइल में कैसे रहेगा, अभी जैसे कि ये वाला टेम्पलेट ऑन हो गया, हम लोग ने साइज लिया कस्टम साइज, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया है पीछे जाइए वीडियो में और फिर से देखिए ये कैसे आया है ना, तभी जाकर आपको क्लियर होगा। देखो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप समझ लेंगे तो आगे डिजाइन करने में आपको बहुत ही इजीली ना बहुत ही इजी पड़ेगा और आप इजीली आपके डिजाइन्स बना पाओगे, तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा क्योंकि ये जो टेम्पलेट है ना वो इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कि ये वाला टेम्पलेट मिला, यहाँ पर देखिए ये वाला प्लस साइन है, अभी कंप्यूटर में कैसे था ये साइड में हमें पूरा उसके जो फीचर्स है मिल जाते थे, पर मोबाइल में थोड़ा ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्लस साइन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिजाइन्स एलिमेंट्स ना ये सारे देखिए यहाँ पर डिजाइन है, फिर से एक बार देखिए प्लस साइन पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पर आपको डिजाइन जैसे क्लिक करोगे ये ऑप्शन नीचे आपको मिल जाएंगे। ये करने के बाद अभी कंप्यूटर में नेक्स्ट है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में हमने क्लिक किया तो जो भी एलिमेंट्स हमें चाहिए है इमेज में यूज करने के लिए जैसे कि फोटोज है, लाइन है, शेप्स है, ग्रेडियंट्स है, तो ये सारी चीजें हमें एलिमेंट्स में मिलेगी। जो भी डिजाइन में हमें फोटो ग्राफिक्स कुछ भी ऐड करना है वो सारी चीजें हमें कहाँ पर मिलेगी, एलिमेंट्स में। अभी नेक्स्ट मोबाइल में भी डिजाइन के बाजू में जैसे कि प्लस साइन में हमने क्लिक किया वहां पर डिजाइन था, उसके बाजू में ही एलिमेंट्स है तो वहां से आपको पूरा ग्रेडियंट्स ग्राफिक जो भी चीजें आपको आपके डिजाइन में डालनी है वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी मोबाइल में। देखिए दोस्तों मोबाइल में आपको जैसे कि कैनवा के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अभी एडवांटेजेस क्या है, हम उसके अंदर बहुत सारे अच्छे डिजाइन्स ना वो सारी चीजें बना सकते हैं, और एक डिसएडवांटेज ये है कि ना मोबाइल में थोड़े कम फीचर्स हमें मिलते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप की तुलना में ना, तो जितना हमें यहाँ पर शो रहा है उतना मैं आप सभी को यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अभी जैसे अभी ये आया है अपलोड्स, अभी यहाँ पर हमारी कोई फोटो डालनी हो या बाहर की कोई इमेज आपको डालनी हो तो आपको क्या करना होगा, अपलोड पे क्लिक करना होगा, अपलोड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपलोड फाइल करना होगा। अपलोड फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको आपका जो कंप्यूटर का ब्राउजर है वो दिखाई देगा, फिर वहां से आपको जो भी इमेज लेनी है उसे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है, तो वो इमेज आपका यहाँ पर ये जो है ना देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है ब्लू में,
तो वो इमेज आपने जो भी सिलेक्ट की है वो यहाँ पर शो होगा। फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगा, या आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, इसे लेना होगा, उठाना होगा, यहाँ पर रखना होगा, तो भी वो इमेज आपको मिल जाएगा। अभी मोबाइल में एक अच्छा है, इसमें दो ऑप्शन है, जैसे कि अपलोड भी है, गैलरी भी है। अगर गैलरी आप करेंगे तो आपको गैलरी, इमेज की गैलरी जो है मोबाइल की, वो ऑन हो जाएगी, वहां से भी आप ले सकते हैं। और अपलोड्स में जैसे कि वीडियो है ना, वीडियो भी ले सकते हैं, इमेजेस है, वो यहाँ से आप ले सकते हैं कोई भी चीज। चलो ये हो गया मोबाइल में। फिर से मोबाइल में अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड फाइल किया, आपका मोबाइल का जो गैलरी है वो ऑन हो जाएगा। फिर वहां से आप क्या कर सकते हैं, फोटो को यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। चलिए एक तो ये हो गया। अभी आते हैं हम टैक्स पे। टैक्स के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको जो भी लेना है, ऐड हेडिंग, सब हेडिंग ना, ये देखिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं टैक्स के लिए। मोबाइल में भी सेम, आप प्लस साइन में जाएंगे, प्लस साइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैक्स आएगा, जैसे हम लोग आए थे ना गैलरी में, और वैसे ही। और टैक्स में क्लिक किया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो टैक्स आ जाएगा। अभी ये है प्रोजेक्ट, जैसे हमने बाहर देखा था, हम जो भी डिजाइन बनाते हैं वो कहाँ पर से होता है, प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ से भी प्रोजेक्ट में जाकर आपके डिजाइन आप देख सकते हैं। मोबाइल में भी आपको मिलेगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट है, वहां पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके डिजाइन आपने जो भी बनाए वो आपको यहाँ पर शो होगा, आपको क्लिक करना है उस पर। चलिए ये हो गया। अभी हम आते हैं फोटोज में। अभी फोटोज में क्या रहेगा, हमें जो भी फोटोज चाहिए आपके इमेज में डालने के लिए, तो वो सारे फोटोज आपको मिलेंगे। अभी किस टाइप के चाहिए हैं, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपको उस टाइप के फोटोज सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, फिर आप वहां से क्लिक कर कर यूज कर सकते हैं। मोबाइल में अभी अगर वहां पर नहीं है फोटोज, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऐप है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फोटोज का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आप वहां से भी फोटोज ले सकते हैं। जैसे कि देखिए ऐप्स है तो यहाँ पर ऐसे शो होता है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। और ये मोबाइल में है ना, अगर मोबाइल में आपको फोटोज नहीं शो हो रहा है तो ये एप्स में जाइए, क्लिक करिए, तो जैसे यहाँ पर चार्ट्स दिया हुआ है वैसे ही यहाँ पर फोटोज का मिलेगा आपको। ये हो गया। अगर कोई ऑडियो चाहिए है तो ऑडियोज में जाइए, वहां से क्लिक करें, ऑडियो आ जाएगा। फिर है मोबाइल के अंदर भी है ऑडियो, वही जैसे प्लस में साइन किया, वही उसके बाजू में ही, फोटो के बाजू में ऑडियोज है, वहां से भी आप कर सकते हैं। फिर है वीडियोस, अगर कोई वीडियो दे लेना है तो वीडियो में आप क्लिक करेंगे, वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, और ये मोबाइल में यहाँ पर नीचे आपको शो होगा। फिर आता है बैकग्राउंड, अगर हमें कुछ बैकग्राउंड देना है हमारे डिजाइन में, तो यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करेंगे बहुत सारे बैकग्राउंड ऑन हो जाएंगे। मोबाइल में भी है, बैकग्राउंड में जाइए, आपको क्या करना है, ये साइड, राइट साइड आपको स्वाइप करते जाना है, राइट स्क्रोलिंग करते जाना है, तो आपको यहाँ पर लाइन में ही मोबाइल में मिलेगा, खाली फर्स्ट आपको प्लस में क्लिक करना होगा। यस दोस्तों, अभी तक हमने जो भी देखा, जैसे कि अभी हमने क्या किया, कैनवा गूगल में गए, कैनवा जो साइट है उस पर गए और हमने साइन अप किया। अगर आपका अकाउंट नहीं है कैनवा पर, आपको साइन अप करना है फर्स्ट टाइम, फिर तो आगे जाके आप साइन इन करेंगे तो भी चलेगा, जीमेल से आप करेंगे। और अगर आप मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं कैनवा को, तो आपके मोबाइल में कैनवा ऐप आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके लेना है ना। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, आप लैपटॉप से ही डिजाइन करिए ताकि आपको वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोबाइल की तुलना में लैपटॉप में हमें अच्छा सारा फीचर्स मिलता है और मोबाइल में थोड़े कम फीचर्स हमें मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा, और थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।